सवाल परीक्षा सहयोगी कार्यशाला के साथ नमन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। खरोंच सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सुल्तानपुर कस्बे की श्री गोपाल गौशाला की। सुल्तानपुर कस्बे की श्री गोपाल गौशाला में आज भागवत कथा के दूसरे दिन बालिदास कथा वाचक देवी ममता जी द्वारा ध्रुव चरित्र के साथ ही परीक्षित और कलयुग के मिलन प्रसंग का वर्णन किया गया। इस मौके पर भगवान विष्णु और ब्रह्म उत्पत्ति की सुंदर झांकी सजाई गई जो सभी के आकर्षण का केंद्र रही। कथा सुनने को दूर दूर से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु गौशाला पहुंचे और भक्ति रस में झूमते हुए नजर आए। यह नजारा है कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे की श्री गोपाल गौशाला का। यहाँ पर श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति तत्वावधान में आयोजित गोहितार्थ भागवत कथा के दूसरे दिन कथा सुनने को दूर दूर से श्रद्धालु उमड़े और कथा के दौरान गाए मंत्र मुक्त भजनों पर सभी भाव विभोर होकर झूमने पर मजबूर हो गए। यहाँ पर कथा के दूसरे दिन विश्व की एकमात्र चारला का सहयोग देने वाली कथा वाचिका पूज्या देवी ममता जी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए ब्रह्म उत्पत्ति और सृष्टि रचना की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि ब्रह्मा विष्णु व महेश द्वारा सृष्टि रचना पालनहार व श्रृंगार किया जाता है। भगवान कपिल के अवतार का प्रसंग बताते हुए उन्होंने सभी अवतारों का कथा को संक्षेप में बताया। इसके बाद देवी जी ने भगवान का भक्तों के प्रति विशेष प्रेम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भक्त भगवान की सच्ची श्रद्धा भक्ति द्वारा ही दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने गौ माता की महिमा बताते हुए कहा कि प्रत्येक हिंदू को परिवार में एक गौ माता का रखना जरूरी है। देवी जी ने गौ माता के लिए दान के लिए भी प्रेरित किया और कहा कि सभी को संकल्प लेना चाहिए कि प्रतिघर से प्रतिदिन एक एक रुपये निकालेंगे। इसी मिशन से गौ माता सुखी जीवन व्यतीत कर सकेगी। कथा के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु कथा श्रवण को उमड़े, जहां पर पूज्य देवी जी ने दानदाताओं और भामाशाहों का भी सम्मान किया। यहां गौशाला में 8 जनवरी तक प्रतिदिन कथा का आयोजन होगा।